आपको पता है कि एक प्लेन जो इंडिया से अमेरिका जाता है वो हर घंटे कितना फ्यूल यूज करता होगा? लगभग 20,000 लीटर। मतलब अगर अमेरिका पहुंचने में 20 घंटे लगते हैं तो उतने में वो 4 लाख लीटर फ्यूल यूज कर लेगा। और ऐसे डेली के 5-6 फ्लाइट तो अमेरिका जाती ही होगी इंडिया से। मतलब कि डेली के 20 लाख लीटर फ्यूल बस इंडिया से अमेरिका जाने में यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे फ्यूल का मतलब एविएशन फ्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल या डीजल मत समझ लेना, क्योंकि जो प्लेन में पड़ता है उसको एविएशन फ्यूल बोलते हैं। वो थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा प्योरीफाइड होता है। पर ये सारा डीजल और ये पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, ये सब एक ही चीज़ से निकलता है, क्रूड ऑयल से, जिसको पेट्रोलियम भी बोलते हैं। पर अगर सिर्फ इंडिया से अमेरिका जाने में 20 लाख लीटर फ्यूल यूज़ हो रहा है तो सोचो पूरी दुनिया में डेली कितना यूज़ होता होगा। जैसे और सारी कंट्रीज़ के बीच में जितनी फ्लाइट होती हैं, वो जो पानी में बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं सामान लेके डेली, अलीबाबा को भी काउंट कर लो, और डेली की जो कार्स चलती हैं, इन सब को मिला के डेली कितना फ्यूल यूज़ होता होगा, आपको क्या लगता है? तो अगर आप इनका एवरेज निकालोगे ना तो हर दिन लगभग 1400 करोड़ लीटर फ्यूल यूज़ होता है। पर अगर इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने तो स्कूल में यही पढ़ा हुआ है ना कि ये फॉसिल फ्यूल ख़त्म होने वाला है, बस ख़त्म होने वाला है। तो देखो, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना कि फॉसिल फ्यूल ख़त्म होने वाला है, वो उस बेसिस पे नहीं लिखा है कि बुक लिखने वाले को एग्जैक्टली पता है कि कितना लीटर फॉसिल फ्यूल है। वो उस बेसिस पे लिखा गया है कि जैसे हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो एक ना एक दिन तो वो ख़त्म होगा ना, तो उसका बस वही लॉजिक है। क्योंकि एक्चुअल में कितना फ्यूल है ये दुनिया में किसी को नहीं पता। जैसे फॉसिल फ्यूल में बस पेट्रोलियम नहीं आता, कोल भी आता है, और कोल से ही तो मेजरली इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ये जो पेट्रोलियम और कोल हैं, ये कैसे बनते हैं ना, इनके ऊपर दो थ्योरीज हैं। बेसिकली पेट्रोलियम कैसे बनता है उसके ऊपर दो थ्योरीज है, कोल तो एक ही तरह से बनता है। पर इन दो थ्योरीज में से ना स्कूलों में बस एक ही थ्योरी पढ़ाई जाती है, पहली वाली, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे बहुत लोगों को ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो ये है कि फॉसिल फ्यूल डायनासोर्स के डेड बॉडी से बनी हुई है। पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम तभी बनता है जब डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मिले और हाई टेम्परेचर मिले, वो भी करोड़ों साल तक, और ऑक्सीजन कम से कम मिले। पर देखो, अगर डायनासोर मरते भी थे तो उनकी बॉडी ज़मीन के इतने अंदर थोड़ी जाती थी कि उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिल सके, वो तो उससे पहले ही डीके हो जाते थे। पर तब ये फॉसिल फ्यूल बना कैसे? तो देखो, अगर कोल की बात करें तो कोल ना बस पेड़ों से बनता है, पेड़ पौधे जो मर जाते हैं उनको जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है उससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। लेकिन पेट्रोलियम बनने के लिए जिंदा चीज का मरना जरूरी है। पर अगर डायनासोर वो चीज़ नहीं थे तो कौन था? तो पेट्रोलियम के ऊपर जो दो थ्योरीज हैं उनमें से पहली ये है कि पेट्रोलियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्गी से बने हुए हैं, मतलब इनके मरने से। जैसे डायनासोर अर्थ पे लगभग 30 करोड़ साल पहले बने थे, अब वो किस भी प्रोसेस से बने हुए हों, पर 30 करोड़ साल से पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसके पहले वो नहीं थे। पर उससे पहले फिर अर्थ पे क्या था? तो उससे पहले ना अर्थ का कई सारा हिस्सा पानी से भरा हुआ था, उस टाइम पे भी भरा हुआ था, पर उससे पहले जो पानी के हिस्से जो भरे हुए थे उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे प्लैंकटन और एल्गी। तो जब ये प्लैंकटन और एल्गी ये जो मर जाते थे ना, तो ये पानी के नीचे चले जाते थे एकदम, और वहाँ मिट्टी से लिपट के इकट्ठा हुआ करते थे। तो जब डायनासोर आए तब भी ये प्रोसेस चल रहा था, और स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 50 करोड़ साल पहले, और डायनासोर कब आए थे? 30 करोड़ साल पहले। और फिर किसी रीजन की वजह से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होना स्टार्ट हुई, क्योंकि उस टाइम पे अर्थ ऐसे नहीं दिखता था, जहाँ इंडिया आज है वहाँ पहले नहीं था उस टाइम, ये लाखों साल में शिफ्ट हुआ है। तो जब लाखों सालों में ना ये प्लेट शिफ्ट हुई तो एल्गी और प्लैंकटन के जो डेड रिमेन्स थे वो और अंदर चले गए, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, जिससे उनको और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिला, और वो करोड़ों साल में हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब पेट्रोलियम में। जैसे अभी सऊदी में जो पेट्रोलियम निकलता है, वो भले ही वो जगह अभी सूखी है, पर करोड़ों साल पहले वो पानी से भरा हुआ था। और रही बात उसकी कि ये पेट्रोलियम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको आप ऐसे समझो कि अर्थ पे लगभग अभी 8 बिलियन लोग हैं। अगर हम सबका एक एवरेज वेट मान लें 50 किलो,
तो टोटल हुआ 400 बिलियन केजी। मतलब कि अगर इतने लोगों को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करोगे तो मैक्सिमम 400 बिलियन लीटर बनेगा। और जैसे एक दिन में हम 14 बिलियन लीटर डेली यूज़ करते हैं तो इसको 10 मान लो, तो अगर 10 के एवरेज से आप निकालोगे ना तो इतना फ्यूल बस 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और हम तो जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो 40-50 साल से कर रहे हैं, उससे भी पहले से कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए ना कि फ्यूल किसी एक जनरेशन के ऑर्गेनिज्म या एक जनरेशन के एल्गी ने नहीं बनाया है, ये करोड़ों साल इकट्ठा हुए तब जाके बने हैं। और आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो ये करोड़ों साल को समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा टाइम होता है। आप अपनी लाइफ टाइम से कंपेयर करके देख लो कि आप जब से बड़े हुए हो, आप जितने भी साल के हो, उसने में कितनी सारी चीज़ें बदल गई है। तो सोचो करोड़ों साल में क्या होगा, कितने लोग आएंगे जाएंगे। तो वैसे ही एक फ्यूल ना करोड़ों साल तक जब जीव इकट्ठा हुए उसके बाद बना है। पर अब एक दूसरी थ्योरी आती है और वो है ए बायोजेनिक थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ऊपर पहली वाली थ्योरी में बताया है वैसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस थ्योरी में बताया गया है कि पेट्रोलियम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से बना ही नहीं है। जैसे अर्थ के तीन पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम मेंटल वाली स्टेज पे बनता है अर्थ के, जो कि जो हम सरफेस पे होते हैं उससे लगभग 250 किलोमीटर नीचे होती है। पर 250 किलोमीटर ना बहुत हो गया, जो हम मैक्सिमम ड्रिल करते हैं वो 9 किलोमीटर तक होता है मैक्सिमम, वो भी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर तो 4-5 किलोमीटर में ही काम हो जाता है। और कोई 250 किलोमीटर तक ड्रिल कर ही नहीं सकता, ड्रिल मशीन पिघल जाएगी। तो ये थ्योरी, ए बायोजेनिक वाली थ्योरी, इसको इस तरह समझाती है कि मेंटल में जब पेट्रोलियम बन जाता है तो वो कहीं कहीं पे ना ऊपर आ जाता है, इतना ऊपर आ जाता है कि हम ड्रिल करके निकाल लेते हैं। क्योंकि पानी में कई सारे ऐसे क्रैक मिले हैं ना जहाँ से जो पेट्रोलियम निकल रहा है वो मेंटल तक जा रहा है, मतलब वो पेट्रोलियम नहीं वो क्रैक। ऐसा हो सकता है कि वो पेट्रोलियम मेंटल से ऊपर तक आया हो। क्योंकि देखो बेसिकली पेट्रोलियम होता क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है, पर हाइड्रोकार्बन तो जुपिटर पे भी है जो कि एक गैस जायंट प्लैनेट है। मतलब कि जुपिटर की कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, तो जिंदा चीज़ की तो बात ही छोड़ दो। तो जब वहाँ पे किसी प्रोसेस से हाइड्रोकार्बन बन सकता है तो अर्थ के मेंटल में क्यों नहीं। और ये थ्योरी को ना जो वो ऑयल कंपनी वाले जो ऑयल वॉयल निकालते हैं, जो पता लगाते हैं कहाँ कहाँ ऑयल हो सकता है, उन्होंने इस थ्योरी को बताया है। इसीलिए कई साइंटिस्ट ने इस पे एग्री भी नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जो पेट्रोलियम होता है उसमें जो केमिकल सब्सटेंस मिलते हैं ना वो एल्गी और ये प्लैंकटन जैसे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा इनका स्ट्रक्चर मैच होता है। इसीलिए पहली वाली थ्योरी को ना ज़्यादातर लोग सही मानते हैं। पर ऐसा हो सकता है ना कि दोनों सही हो, कि इससे भी फ्यूल बन रहा हो और उससे भी बन रहा हो। और अगर आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हो तो बस पहली वाली थ्योरी पर ध्यान देना, और अगर आप नॉलेज पाने के लिए देख रहे हो तो आप दोनों थ्योरी के बारे में सोचना। पर ये मत सोचना कि गॉड हमारे लिए पेट्रोलियम बना रहे हैं नीचे बैठ के। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।